अस्सलाम वालेकुम गाइस, एजुक्राफ्टर ऑनलाइन एकेडमी में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका टीचर अहमद खान। पिछले लेसन में हमने देखा था इंसर्ट टेप के अंदर हमने पिक्चर के फंक्शन को गो थ्रू किया था और उसमें से जितने भी हमने उसके अंदर मौजूद थे फंक्शन पिक्चर को फॉर्मेट करने के हमने उसे सीखा और उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आई होंगी चीज़ें। कोशिश करें, प्रैक्टिस करते जाएँ, साथ साथ प्रैक्टिस करते जाएँ ताकि ये चीज़ें आपके जहन में आती जाएं। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर भूल जाएंगे, तो कोशिश करें साथ साथ प्रैक्टिस भी लाजमी किया करें। तो बिगनर्स के लिए कोशिश मेरी यही है कि वो चीज़ों को सीख लें, फंक्शंस को सीख लें। ठीक है जी, इसी इलस्ट्रेशन के अंदर हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट फंक्शन है ऑनलाइन पिक्चर का और शेप का। ऑनलाइन पिक्चर सेम वही पिक्चर है, सिर्फ ऑनलाइन कोई भी पिक्चर आप जो है वो अप्लाई लाना चाहें, अपने पेज के अंदर इंसर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके बाद देखें यहाँ पर आपके साथ पास आ रहे हैं शेप्स का फंक्शन। जब हम शेप्स पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट शेप्स यहाँ पर जो है वो मिलती हैं, जिसमें टेक्स्ट बॉक्स है, जिसमें आपके पास लाइन शेप्स हैं, एरोज़ हैं, रेक्टेंगल्स हैं, राउंडेड रेक्टेंगल्स हैं, डिफरेंट बेसिक शेप्स बनी हुई हैं, आप उनको जो है वो यहाँ पर ड्रा कर सकते हैं। तो हम आज कोई एक दो जो है वो शेप्स हम ड्रा करते हैं और ड्रा करने के बाद हम उसे एडिट करके की कोशिश करते हैं। देखें, मैं न्यू फाइल ले लेता हूं और यहां से देखें ये एक स्माइली बना हुआ है और जैसे मैंने देखे शेप जो है वो ड्रा की, तो ड्रा करने के बाद वही प्रॉपर्टी बार मेरे पास आ गई, यहां पे फॉर्मेट के सारे फंक्शन आ गए कि आप टेक्स्ट शेप को किस तरीके से फॉर्मेट कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बने बनाई कलर्स आपको मिलेंगे, आप उनमें से कोई सा भी कलर, कोई से भी डिज़ाइन जो है वो चूज़ करके शेप के ऊपर रख सकते हैं। ये देखिए इस वक्त शेप जो है वो स्माइली एक बना हुआ है, इसको हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं यूँ, और यहाँ से हम खुद से भी इसे कलर दे सकते हैं, थीम कलर। देखें ये शेप के अंदर का कलर है, ऑब्जेक्ट का कलर, ठीक है, और यहाँ से हम कोई सा भी कलर दे दें। आउटलाइन का कलर, यहाँ से हम आउटलाइन का कलर दे देंगे। आउटलाइन की शेप अगर आपने चेंज करनी है या थोड़ा सा मोटा करना है तो आउटलाइन को वो आप मोटा भी यहीं से कर सकते हैं, शेप आउटलाइन से। वेट में जाके ये डिफरेंट जो है वो शेप्स आपके पास आ रही हैं, डैशेस में आ रही हैं आपके पास, लाइंस डैशेस भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, और एरोज़ अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं एरोज़ भी अप्लाई कर सकते हैं इस तरीके से। ये देखिए, तो ये है जी हमारा जो है वो शेप्स को एडिट करने के लिए हम डिफरेंट चीज़ें कर सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें वही हैं जो पिक्चर के अंदर थी। इसके अंदर अगर आप टेक्स्ट रखना चाहते हैं तो टेक्स्ट भी रख सकते हैं, राइट क्लिक करेंगे और ऐड टेक्स्ट करके यहाँ पर हम कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। स्माइली ने टाइप किया और एडिट करने के लिए सेम वही फंक्शन यहाँ से हम कर सकते हैं। सॉरी, ये नहीं करना था, कलर हम चेंज कर देते हैं इसका। ये देखिए, इस तरीके से आप जो है वो इसके अंदर टेक्स्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। दोबारा वही, इसके ऊपर अगर आप डबल क्लिक करेंगे, डबल करने के बाद ये लाइन के ऊपर डबल क्लिक करें तो यही प्रॉपर्टी बार आपके पास सामने आ जाएगी, जिससे आप इसको एडिट कर सकते हैं। मज़ीद यहाँ पर एडिट शेप्स दिए हुए हैं, एडिट पॉइंट्स दिए हुए हैं, अगर आप पॉइंट्स को एडिट करना चाहते हैं तो ये भी आप कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा आपको करके दिखा देता हूँ, ज़्यादा इस पर काम नहीं करेंगे हम, ये आप खुद से भी इनको कर सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर नीचे आगे पीछे जो भी आप करना चाहें शेप को कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। इस तरीके से आप शेप को तब्दील भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। हमेशा इस पर डबल क्लिक करेंगे तो दोबारा ये प्रॉपर्टी बार आपके पास आ जाएगी। तो डिफरेंट शेप्स हैं, डिफरेंट शेप्स यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये एक शेप है, ये आप अपने कर दी, ये एक शेप है, स्टार अगर आप लाना चाहते हैं इस तरीके से,
और इनको आप यहाँ से इफेक्ट दे के 3D वगैरह प्रीसेट इफेक्ट्स भी दे सकते हैं। इस तरीके से 3D स्टार भी बना सकते हैं। ये देखिए, ये आपका 3D स्टार बन गया। थ्री डी बना देते हैं इसे हम, ये देखिए। तो ये है हमारी शेप्स, जिसे हम ऑटो शेप्स भी कहते हैं। डिफरेंट शेप्स हैं। टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर हम आगे चलकर जो है तफसीलन इसके ऊपर एक पूरी क्लास बनाएंगे। टेक्स्ट बॉक्स क्या करता है और हम क्यों यूज़ करते हैं। सबसे पहले ये शेप्स, इन शेप्स के अंदर और यहाँ पे हमें एडिट टेक्स्ट करना। जब टेक्स्ट एडिट कर देंगे तो हम कुछ भी इसमें लिख सकते हैं, स्टार इस तरीके से। ये आपकी शेप जो है वो बन गई। तो आज हमने सीखा इंसर्ट के अंदर डिफरेंट चीज़ें। पिछले लेक्चर्स में भी हमने सीखी कवर पेज से लेकर शेप्स तक, और शेप्स में क्या क्या चीज़ें हैं। आप ख़ुद भी इन तमाम चीज़ों को अप्लाई करें और देखें कि क्या जो है वो आप इनसे बना सकते हैं और आपको ये कहाँ कहाँ काम दे सकती हैं। ये एक एरो में आपको थोड़ा सा जो है वो डिज़ाइन करके दिखा देता हूँ, क्योंकि ये सिंपल लाइन वाला होता है और इसकी अगर आपने लाइन वगैरह मोटी करनी है तो यहाँ से कर सकते हैं, और कलर वगैरह देना है तो यहाँ से कलर भी दे सकते हैं, या यहाँ से डिफरेंट स्टाइल में रखना चाहें तो वो डिफरेंट स्टाइल आप उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है जी आपका फॉन्ट का, सॉरी शेप्स का फंक्शन, जिसमें हमने डिफरेंट शेप्स जो है वो अप्लाई की। उम्मीद है समझ आ गई होंगी चीज़ें काफ़ी सारी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शुक्रिया।